नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश वर्मा चाणक कोचिंग अलीगढ़ से स्वागत करता हूं आपका। तो अलीगढ़ में हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कंपटीशन, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ एकेडमिक क्लास चलाते हैं। तो फिलहाल जैसा कि लॉकडाउन है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है, फ्री हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पता लगा कि वीडियो बनाना एक टाइम पास करने का अच्छा तरीका है। बच्चे टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हैं, टीचर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी वीडियो बना दूँ। चलिए, तो वीडियो बनाने से पहले मैंने वीडियो देखी बच्चों की बहुत सारी। तो फिलहाल टिकटॉक बड़ा कल्चर में है, बहुत सारे बच्चों की वीडियो मैंने देखी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे बच्चों की वीडियो देखी, क्योंकि मैं लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ अभी फिलहाल, चूँकि लॉकडाउन है तो ऑनलाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो बच्चे ऐसे ऐसे देखे कि जिन्होंने पूरी साल साल भर पढ़ के निकल गए, पूरी साल में उन्होंने निगाह नहीं मटकाई, लेकिन टिकटॉक पर वो कमर मटका रहे हैं। खैर, बात करते हैं हम लोग टीचर की। तो यहाँ टीचर जितने भी हैं अलीगढ़ में, मैं देख रहा हूँ लगभग अलीगढ़ क्या पूरे भारत के अंदर, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है तो जो ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं, एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो ऑफलाइन में डील करती थी, अभी वो फ्री है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो वहाँ यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं और बच्चों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे बच्चा घर पर बैठ करके वो नॉलेज गेन कर सके, ज्ञान प्राप्त करे। तो ये बहुत सही एक कदम है टीचर्स का कि वो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं और स्टूडेंट को एक अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, जिससे बच्चा घर बैठ के तैयारी करे, ठीक है। और एक सही समय भी है यूट्यूब चैनल बनाने का, कि बच्चा फ्री है, आपके चैनल को देख सकता है, आपके व्यू बढ़ सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, शेयर बढ़ सकते हैं, तो इसलिए सही समय भी है, लोग बना रहे हैं। तो चूँकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग है, तो वीडियो से पहले मैंने सोचा लाओ मैं रीजनिंग देख भी लूँ कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं किस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं या बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ देखिए, जो लोग ना अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि चाहे आप दिन में एक वीडियो मत डालिए, आप सप्ताह में एक वीडियो डालिए, लेकिन सही वीडियो डालिए, सही कंटेंट डालिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जिन्होंने कुछ भी उठा के डाल दिया और वहाँ कुछ चीज़ें गलत भी पढ़ा दी। तो देखिए, बच्चा भरोसा करता है टीचर पर, ठीक है, आपके पढ़ाई हुई चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक, और बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है और तारीफ़ के काबिल, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत अच्छे कंटेंट उन्होंने दिए हैं। तो चलिए, खैर, मैं आज बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का मुझे कुछ जो चीज़ें गलत लगी, बस उनको मैं डिस्कस करूँगा आज आपके साथ में। तो रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक है हमारा। तो आज की जो मेरी ऑडियंस है, ये वो ऑडियंस होगी जो रीजनिंग में कैलेंडर को थोड़ा बहुत जानती है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, क्योंकि अगर बिल्कुल बिगनर है, स्टार्टिंग है आप कर रहे हैं, आपने कभी कैलेंडर नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप पहले बेसिक पढ़िएगा, तब समझ पाएंगे। तो आज मैं केवल कुछ करेक्शन के लेकर के आया हूँ, ठीक है, जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जिन लोगों ने गलत वीडियो देख रखी है वो सुधार करें उसको, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको कैलेंडर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑडियंस मेरी आज की वो रहेगी जो कैलेंडर को थोड़ा बहुत भी जानती है, वो समझ पाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, मैंने जो क्वेश्चन देखे जिनकी मैं आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चन को लेकर सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्या देखा मैंने कि यदि मोहन ने अपना जन्मदिन 7 जुलाई 1999, तो सवाल मैंने ये देखा था एक, यदि मोहन ने अपना जन्मदिन 7 जुलाई 1999 को मनाया, यदि मोहन ने अपना जन्मदिन 7 जुलाई 1999 को सोमवार के दिन मनाया, तो सवाल आगे ये था, तो दोबारा वो अपना जन्मदिन सोमवार के दिन कब मना पाएगा, तो दोबारा वह जन्मदिन सोमवार के दिन कब मना पाएगा। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो रीजनिंग जानते भी हैं, वो लोग कोड भूल गए होंगे सवाल करने के लिए, वो दिमाग में कोड ला रहे होंगे, कोड भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो कोड यहाँ रहते हैं 1 का 6, 2 का 11, 3 का 11 और 0 का 28। तो अगर आप कोड भूल गए हैं और आंसर बताने के लिए कोड को ढूंढ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोड भी आपके पास है, ठीक है। तो आंसर की अगर बात करूं, तो आपने 1999 को उठाया, ठीक है, 1999 भाग लगाया आपने किससे, 4 से, डिवाइड तो 4 से करते हैं, तो 1999 आपने 4 से भाग लगाया, रिमाइंडर कितना होगा आपका, रिमाइंडर होगा 3, 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 होगा, शेषफल 3 होगा तो 11 साल बाद। तो आपने क्या किया कि 1999 प्लस 11, ठीक है, तो 1999 प्लस 11 ये हो गया आपका 2010। बस
यही मैं कहना चाहूँगा, जिन जिन का आंसर 2010 आ रहा है उन लोगों को मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप में से जिसका आंसर 2010 आया हो, ठीक है, या आने वाला हो, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि वो वीडियो को देखें, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो 2010 आंसर लाने वाले सभी लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चूँकि मैं बता दूँ ये 2010 आंसर इसका ऐसा नहीं कि ये सही नहीं है, सही है, वह सोमवार के दिन दोबारा अपना जन्मदिन कम मना पाएगा। अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, तो हाँ ये 2010 वाली तारीख जो है ना, इस तारीख में सोमवार होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2010 में सोमवार होगा इस तारीख को। लेकिन भैया इसका जो आंसर होगा ना, वो आंसर होगा 7 जुलाई 2004, क्योंकि 2010 से पहले भी 2004 की 7 जुलाई, अगर 7 जुलाई 99 को सोमवार है तो 7 जुलाई 2004 को भी सोमवार होगा, ठीक है ना। तो जब इससे पहले हमारे पास 2010 से पहले एक सन 2004 है, तो हमारा आंसर 2010 क्यों होगा, हम तो आंसर 2004 देंगे, ठीक है। अच्छा, ऊपर से ऑप्शन भी नहीं दे रखे क्वेश्चन में, जो मैंने देखा, ठीक है ना, क्वेश्चन में ऑप्शन भी नहीं दे रखे हैं, केवल क्वेश्चन और सीधे आंसर। तो केवल क्वेश्चन सीधे आंसर तो 2010 नहीं होगा, पहला आंसर 2004 होगा। अब इसके बाद तो 2010 के बाद भी कोई ना कोई सन होगी जिसमें सोमवार आएगा 7 जुलाई को, तो इसके तो आंसर इन्फाइनाइट होंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें पहला आंसर ही तो चाहिए, तो वो 2004 होगा, ठीक। तो जो लोग 2010 वाले आंसर के थे, वो 2004 आंसर देने वाले हैं। अब इस 2004 को समझना चाहते हैं तो वीडियो आगे देखिएगा, ठीक है, मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। चलिए, क्वेश्चन आप समझ ही चुके हैं। देखिए, रीजनिंग कैलेंडर के अंदर टॉपिक आता है रिपीट कैलेंडर। ठीक है, रिपीट कैलेंडर स्पेलिंग पे जाएगा नहीं, ठीक। तो रिपीट कैलेंडर क्या होता है, कोई भी सन, जैसे अभी चल रही 2020, तो जो 2020 एक सन है, ठीक है ना। अब 2020 जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, जिस कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर, तो जब से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, इसको स्टार्ट हुए 2020 साल हुई है, तो एक साल का एक कैलेंडर होता है। तो जब एक साल का एक कैलेंडर होता है, तो अभी तक 2020 साल हो गई हैं, हम सारे के सारे कैलेंडर इकट्ठा करना शुरू करें एक साल का एक कैलेंडर, तो कुल मिला के हमारे पास टोटल कैलेंडर 2020 इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल 2020 कैलेंडर हमारे पास इकट्ठे हो चुके होंगे। लेकिन क्या ये 2020 कैलेंडर 2020 अलग अलग तरीके के होंगे, ऐसा नहीं है। इनमें क्या होगा, कुछ साल के बाद कैलेंडर रिपीट होने लगेगा, ठीक है ना। तो कुछ साल के बाद कैलेंडर क्या होगा, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, तो इसे रिपीट कैलेंडर की कैटेगरी में आते हैं हम लोग। तो इसकी पहचान क्या होती है, एक्चुअली क्या होता है, जो भी सन आपको दे रखी है और हमें पता करना है कि इसका कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो उसकी कंडीशन ये है, आपको 4 से डिवाइड करना होता है सन में, ठीक है। जैसे ये 2020 है, 4 से भाग लगाइए, और पता क्या करना है, रिमाइंडर, तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। अब रिमाइंडर 0, तो अगर रिमाइंडर 1 आता है, तो ये है वर्ष, 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 2 होगा, कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, 3 होगा तो 11 साल बाद, और 0 रिमाइंडर होगा तो 28 साल बाद। अब चूंकि 2020 में कितना आया, 0, इसका मतलब 2020 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, तो 2020 का जो कैलेंडर है ये 28 साल बाद रिपीट करने वाले हैं, यानी 2048 में, ठीक है। तो 2020 का कैलेंडर को अगर सुरक्षित रख लें और कोरोना से अगर हम बच गए, 2048 तक बचे, ठीक है, तो ये कैलेंडर आपको काम आ जाएगा। कोरोना क्योंकि चल ही रहा है अब, जैसी भी स्थिति है, तो 2048 में कैलेंडर जो होगा ना, ये कैलेंडर काम आएगा। बस इसमें हिंदी के दिनों की बात नहीं कर रहे कि आप होली दिवाली इन सब के जोड़े, ये इंग्लिश कैलेंडर से नहीं होते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर से नहीं होते, ये तो हमारे पंचांग से होते हैं, ठीक है ना, इनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, बाकी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की जितने दिन हैं, उतने दिन, मतलब हर तारीख का जो दिन है, वो सेम टू सेम 2048 के तारीख के दिन से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका रिपीट कैलेंडर। तो इसकी कंडीशन ये होती है, 4 से भाग लगाइएगा, रिमाइंडर पता करिए, रिमाइंडर 1 होगा तो 6 साल बाद, 2 होगा 11 साल बाद, 3 होगा 11, और 0 अगर होगा तो 28 साल बाद। तो इसमें 0 होगा तो 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, क्लियर है। चलिए, तो अभी जो क्वेश्चन था हमारा, उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो भैया आपका ये जो कंसेप्ट है ना, 6, 11, 11, 28, ये कब काम आता है, ये तब काम आता है जब पूरी साल का कैलेंडर पूरी साल के कैलेंडर से मिलाया जाए। यानी कि जो मैंने अभी बात कही कि 2020, तो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, साल का पहला दिन, साल का आखिरी दिन, ठीक है ना। और ये किससे मैच होगा, ये मैच होगा 2048 से। इसका मतलब
1 जनवरी 2048 और 31 दिसंबर 2048, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी साल का हर एक दिन मैच होगा। मतलब अगर इसमें 1 जनवरी 2020 को सोमवार रहा होगा तो इसमें 1 जनवरी 2048 को सोमवार रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ 26 जनवरी आपने मंगल को मनाई होगी तो इस साल 26 जनवरी मंगल को मनेगी, ठीक है। अगर इसमें आपने 15 अगस्त शुक्रवार को मनाया है तो इसमें भी 15 अगस्त 2048 में शुक्रवार को मनेगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इसका यूज कब होता है, इसका यूज तब होता है जब पूरी साल के कैलेंडर को मैच करना होता है। लेकिन जिस सवाल की हम बात कर रहे थे, हम मोहन की बात कर रहे थे, कहाँ गया मोहन हमारा, हम बात कर रहे थे मोहन की, हाँ भैया मोहन नाम था बच्चे का, तो मोहन की बात कर रहे थे कि उसकी बर्थडे थी वो 7 जुलाई 1999 को थी। तो आपको क्या करना था, सोमवार को मोहन की बर्थडे थी, मोहन का जन्म हुआ था सोमवार को, उसने जन्मदिन मनाया था अपना, तो हमें सिर्फ मोहन का ही तो जन्मदिन मनाना था सोमवार में अगले साल, या उस 2019 में जितने भी पैदा बच्चे हुए उन सबका बर्थडे मैच कर दोगे आप। तो अगर आंसर 2010 दिया तो पता आपने क्या किया, आपने 1999 में पूरी साल के अंदर जितने बच्चों के बर्थडे बने ना, आपने पूरे के पूरे साल के बच्चों के बर्थडे मैच कर दिए, वो आंसर 2010 है। लेकिन आपको तो केवल मोहन को टारगेट करना है, मोहन का बर्थडे हम आपको सोमवार में बनाना है, तो भैया वो 2004 में बन जाएगा, ठीक है। तो जब बर्थडे वाला कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है ना भैया, तो आपको इससे नहीं करना है, गलत हो जाता है जैसा कि हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात है, हर सवाल गलत नहीं होता, ये खास बात है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इससे ही हो जाते हैं, लेकिन वो इत्तफाक की बात है, ठीक है, प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे आप ऐसा। मैं अभी और एग्जांपल दूंगा आपको बढ़िया वाला, देखो। अब हमारा सवाल था 7 जुलाई 1999 और ये दिन सोमवार था, ठीक है, और मोहन का बर्थडे था। अब हमारा सवाल है कि दोबारा कब रिपीट होगा, तो इसमें आप 4 से भाग लगा के करेंगे तो क्या होगा, पूरी 1999 की पूरी साल के दिन 2010 की पूरी साल से मैच होंगे, लेकिन हमें तो केवल एक तारीख 7 जुलाई को मैच करना है, ये बेसिक होगा, ठीक है। तो देखो 7 जुलाई 1999, तो 7 रहना भैया मेरे, 7 जुलाई 1999 से, ठीक है, 6 जुलाई 2020 एक साल हो गई, 7 जुलाई 1999 से 6 जुलाई 2000, ये हो गई एक साल, ठीक है, 6 जुलाई से। फिर इसके बाद क्या होगा, ये एक साल रिपीट हो गई आपकी, ठीक है, 7 जुलाई 1999 से 6 जुलाई 2000 पे क्या हो गई, एक साल। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 7 जुलाई, मैं बिल्कुल प्योर लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो पे कोई बाद में आपत्ति लगाए, इसलिए मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बाय डेट लिख रहा हूँ, जबकि इसे लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कोई ऑब्जेक्शन ना रहे, वरना मैं 99 2000 लिख के भी आंसर जल्दी पहुँचा देता आपको। तो इसके बाद 7 जुलाई 2000 से 6 जुलाई 2001, एक साल हो गई ये, ठीक है, तो 7 जुलाई 1999 से 7 जुलाई 2000 एक साल, फिर 6 जुलाई 2000, फिर 7 जुलाई 2000 से 6 जुलाई 2001 एक साल, ये हो गई 2 साल हो गई। इसके बाद आप पढ़ेंगे तो 7 जुलाई 2001 से 6 जुलाई 2002, ठीक है, एक साल ये हो गई, ठीक। अब 2002 से, तो फाइनली मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 99 से 2000 एक साल, फिर 2000 से 2001 एक और साल, फिर 2001 से 2002 एक और साल, 2002 से 2003 एक और साल, 2003 से 2004 ये एक और साल। लेकिन ध्यान रखिएगा जो डेट चल रही है हमारी 99 से 2000 में, डेट चल रही है 7 जुलाई से 6 जुलाई, एक साल इससे हो जाएगी, ठीक है ना, तो 7 जुलाई से 6 जुलाई एक साल। अब देखो 7 जुलाई 1999 से 6 जुलाई 2000, क्या लीप ईयर होगी 2000? होगी, फरवरी क्रॉस होगी तो 2 विषम दिन, ठीक है ना। अब इसके बाद 2000 से 2001 तो सिंपल ईयर है, 1 विषम दिन, फिर इसमें 1 विषम दिन, इसमें 1 विषम दिन। अब 2003 से 2004, तो 2003 की 7 जुलाई से चल रहे होंगे हम लोग, और 2004 की 6 जुलाई तक जाएंगे, ठीक है, तो 2003 की 7 जुलाई से 2004 की 6 जुलाई, तो 2004 तो लीप ईयर होगी ना, तो फरवरी 29 की आएगी, तो क्या यहाँ 2 विषम दिन आएंगे? आएंगे, तो जोड़िए ना 2 3 4 5 6 7, और भैया जैसे ये 7 हो गए 0 ख़त्म। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने कहाँ ख़त्म किया इसे, आपने इसे ख़त्म किया है 6 जुलाई 2004 पे, 0 होते हैं। अगर 6 जुलाई 2004 तक विषम दिन 0 हैं तो अगली तारीख जस्ट 7 जुलाई 2004, 6 जुलाई 2004
देखिए हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 6 जुलाई 2004, तो 6 जुलाई 2004 पे जीरो हो गए, तो अगली 10 तारीख कौन सी होगी, वो तारीख होगी भैया आपकी 7 जुलाई 2004, और ये दिन सोमवार होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर की बात अगर हम लोग करते हैं, तो ये मैंने पूरी डेट प्रॉपर लिख के दिखाई है जिससे कि आप मेरी बात को समझ पाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 11 साल इससे जोड़ के आप नहीं देंगे, आपको इसे बेसिक करना होगा और आंसर 2004 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे लोग जो मेरी बात से सहमत अभी भी ना हो पाए, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं और मैंने एक बात और भी कही थी, थोड़ा बहुत रीजनिंग की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, फिर भी मान लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो भैया चैट सेक्शन में जाकर रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुन लो काम की। ठीक है, दूसरी काम की मैं बात बताऊँ आपको, जो इससे भी ना सीखें ना समझें, तो अब उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे कई तरह से समझाना पड़ेगा, वरना लोग फिर क्या करेंगे कि ये नहीं है वो नहीं है। तो सुनो, अगर कैलेंडर पढ़े हो तो सिंगल डेट का दिन निकालना तो आता ही होगा ना। ठीक है, मतलब कोई तारीख दी जाए आपको 15 अगस्त 1947 का दिन बताओ, तो आप क्या करेंगे, कोड वगैरह लगा करके उसके विषम दिन निकालेंगे और विषम दिन निकाल के उसका दिन बता देंगे, यही का तो करते हैं आप लोग। तो ठीक है, काम करिएगा आप ना इसको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं आंसर को, तो आप इस तारीख के ऑड डेज निकालिए, इस तारीख क्या निकालिए, ऑड डेज, विषम दिन निकाल लेना सिंगल डेट के कैलेंडर से जिस तरह निकालते हैं आप, तो इस तारीख के विषम दिन निकाल लो। ठीक है ना, और आप क्या करना भैया, इस तारीख के विषम दिन निकाल लो, जो भी तरीके आपको आते हैं, मैं तरीके की बात ही नहीं कर रहा, जो आपने सीखा है तरीका, उस तरीके से आप विषम दिन निकाल लेना इनके। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप इनके विषम दिन निकालोगे ना भैया, आप ये आओगे दोनों समान आएंगे, सेम होंगे, और अगर विषम दिन इनके सेम हैं इस तारीख के, तो भैया जब इनके विषम दिन समान है तो दिन समान नहीं होगा क्या। ठीक है, तो जिन लोगों ने कैलेंडर थोड़ा बहुत भी आता है, सिंगल डेट का दिन निकालना जानते हैं, तो इसके विषम दिन निकालिएगा, इसके विषम दिन निकालिएगा, समान होंगे। अच्छा, 7 जुलाई 2010 के भी विषम दिन समान होंगे, लेकिन आंसर 7 जुलाई 2010 तो नहीं होगा ना इसका भैया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1999 और 2010 के बीच में 2004 नहीं आएगा क्या। आप इस कोड को भूल जाइए, इन क्वेश्चन पे नहीं लगाने वाले हैं आप। इसका मैं एक बहुत बेहतरीन आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलो, इसके बाद भी भैया जो लोग बिल्कुल नए हैं, कुछ नहीं जानते, 0/0 बोले, एक काम करना। ठीक है, आप एक काम करना, गूगल पे जाना, गूगल पे जाके लिखना 7 जुलाई 1999 डे। ठीक है, ये गूगल पे जाके टाइप कर देना, जब ये टाइप करोगे तो इस दिन, इस तारीख का दिन निकल के आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है ना, तो उस दिन को क्या करना, नोट कर लेना आप, उसको नोट कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमने दिन लिखा है ना कि इस तारीख का सोमवार है, ये रियल नहीं है, ये जो तारीख है इसका ये दिन सोमवार नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इस तारीख का ये सोमवार दिन नहीं है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए कोई ना कोई दिन लेना पड़ता है, तो इसलिए इसको तो लिया गया है, माना गया है, ये काल्पनिक है। ठीक है, ये रियल नहीं है, माना कि उसका मोहन कौन था बच्चा, मोहन का जन्मदिन इस तारीख को सोमवार में, तो ये जब हमने माना सवाल बनाया, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि इस तारीख का दिन हम ढूंढ के रखेंगे। ठीक है, हमने तो मोहन भी नहीं ढूंढा, ऐसे ही तो लिख दिया है मोहन, क्या वाकई में मोहन था इस तारीख को, हो सकता ना हुआ हो। ठीक है, तो इस तारीख का ये दिन है, ये रियल नहीं है, ये माना गया है, तो ऐसे ही ये माना गया है, तो ये भी माना गया। अगर इस तारीख का सोमवार है तो इस तारीख का सोमवार है। तो आप एक काम करना, 7 जुलाई 1999 का दिन पता कर लेना गूगल पे जाके, जो दिन आए लिख लेना, सही है, फिर जाना 7 जुलाई 2004 का दिन निकालना, और जो आए लिख लेना, और दोनों मैच कर लेना, एक से ही आए होंगे। ठीक है, इससे तो आपको संतुष्टि हो ही जाएगी। ठीक, 7 जुलाई 1999 का दिन सोमवार नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, जो भी हो लिख लेना, फिर 7 जुलाई 2004 का दिन निकालना डे, जो भी हो लिख लेना, और दोनों को मिला लेना, चाहे सोमवार हो या मंगल हो या बुध हो या बृहस्पति हो, वो दोनों दिन एक से ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन, अगर मेरी बात अब भी ना समझे हो ना, तो अब मैं जो बात समझा रहा हूँ उससे आप समझ जाएंगे मेरी बात को। देखो, अब मैं अपनी बात को और समझाने के लिए आपको ये बताऊं पहले कि ये कोड है ना 6/11/11/28, ये आखिर बने कहाँ से, किस तरह से ये कोड बने, तो मेरी बात आप समझ पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो, आप ना 2001 से शुरुआत कर लो। ठीक है, तो देखो मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2001 से, ये देखो ये लिखा मैंने 2001, फिर इसके बाद 02 से समझना 2002 है, फिर 03/04/05/06/07/08, ठीक है,
जीरो नौ, जीरो दस, अब जीरो दस तो नहीं, सीधे दस ही लिखते हैं, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। मान लो मैंने कुछ वर्ष लिख दिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इनके विषम दिन जो हैं, ऑड डेज की हम बात करते हैं, तो ऑड डेज आपको पता है कि सिंपल ईयर का एक होता है, लीप ईयर के दो होते हैं। तो 2001 चूंकि सिंपल है तो ये एक एक एक, 2004 लीप है दो, एक 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 दो, एक 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 दो, एक 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 दो, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब जब जब आपसे ये कहा जाता है कि चार से भाग लगाने पे एक बचे, ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनमें चार से भाग लगाने पे एक बचेगा वो पता कौन सी होंगी, वो ये वाली होंगी। कैसे होंगी? देखो, एक किस पे बचेगा, पांच में एक बचेगा, पांच के बाद नौ में बचेगा, तेरह में बचेगा, चलते रहेंगे आप। तो चार से भाग लगाने पे एक बचेगा, चार के मल्टीपल के बाद नेक्स्ट, तो चार से भाग लगाने पे एक, पांच में चार से भाग लगाओगे एक बचेगा, नौ में लगाओगे एक, तेरह में लगाओगे एक, तो चार से भाग लगाने पे एक क्यों बचेगा? चार से भाग लगने पे एक तब बचेगा जब लीप ईयर से ठीक अगली वर्ष में भाग लगाओगे आप, ठीक है भाई। लीप ईयर तो चार से कट जाती है, जब लीप ईयर चार से पूरा पूरा कट जाती है उससे अगली साल में भाग लगाओगे तो एक ही बचेगा। जैसे 2020 है, चार से कट जाती है, अभी 2021 को आप उठाओगे तो 2021 में जब चार से भाग लगाओगे तो एक ही तो बचेगा। तो 2021 एक्चुअल में कैसी हो गई, वो 2001 जैसी नहीं हो जाएगी, मतलब कि सिंपल ईयर, ठीक है। तो आप ये समझो जो सीरीज है वो 1112 ट्रिपल वन टू ट्रिपल वन टू ट्रिपल वन टू, ये सीरीज होती है। अब मुझे पता करना है कि रिपीट कब होगा, इन्हें जोड़ना शुरू कर दो, जहां ये सात हो जाए, चौदह हो जाए, इक्कीस हो जाए, वहीं पर क्या होगा, जीरो हो जाता है विषम दिन और अगली ईयर कनेक्ट हो जाती है। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखो यहाँ पे सात हो गए ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात का मतलब जीरो, इसका मतलब 2001 वाली सन किससे जुड़ेगी, 2007 से, ठीक है। अब 2001 वाली 2007 से जुड़ेगी, ये बेसिक तरीका होता है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए क्या किया, ऐसे याद कर लिया। कितनी साल बाद, देखो इसको 2001 से 2007 जाना है आपको, तो एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, छह साल, छह साल बाद ही तो आया भाई। 2001 से 2007 कितनी साल बाद आया, छह साल बाद। तो आपने क्या किया, कोड बना लिया। क्या कोड बना लिया आपने, कोड ये बना लिया कि जब शेष एक हो, रिमाइंडर आपको कितना हो, वन, तो रिपीट कितने में होगी, ये छह साल बाद रिपीट होगी, क्योंकि छह साल बाद रिपीट हो गई, ठीक है। अब बात करता हूँ अगली, जिसमें दो बचे। अब दो किस में बचेगा, अब दो बचेगा अगर, ठीक है, तो 2001 में नहीं, 2002 में। तो अब मैं 2002 से जब लेके चलूंगा इसे, ठीक है, देखो ये आया 2002, इसे हटा दो। अब 2002 दो बचेगा 2002 में, अब यहां से गिनना शुरू कर दो, सात हो जाए, चौदह हो जाए, इक्कीस हो जाए, वहीं रुक जाना, ठीक है। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये तो लोग सात हो गया भैया, बड़े आराम से, बहुत जल्दी मिल गई, ये तो हो गया, सात नहीं हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गए, सात हो गए, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट होगा, यानी 2002 किससे मैच होगा, 2002 2008 से मैच होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 2002 है सिंपल और 2008 है लीप। अब 2002 सिंपल है, 2008 लीप है, तो मैच कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मैच नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर है और लीप ईयर तो सिंपल ईयर से मैच नहीं होगा, लेकिन होगा 28 फरवरी तक, सही है ना। मतलब ये है कि 2002 और 2008 के कैलेंडर आप उठा लें तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक तो मैच होगा, क्योंकि इनके विषम दिन जीरो हो गए हैं, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि 2002 में 28 फरवरी के बाद आएगा 1 मार्च और 2008 में 28 फरवरी के बाद आएगा 29 फरवरी, तो बस 28 के बाद मिसमैच होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता, आपको इसे रोकना पड़ेगा। आगे बढ़िएगा, दो तीन चार पाँच छः सात, देखो फिर सात हो गया, सात हो गया, इसका मतलब फिर से मैच होगा, तो जहां जीरो होगा उससे अगली ईयर से मैच, हमें अगली ईयर से मैच करना है, ठीक है। तो 2002 को जोड़ेंगे इससे 2013 से, तो 2002 को 2013 से मैच करते हैं, कितनी साल बाद हुआ, 2002 से 2013 ये 11 साल बाद हुआ, ठीक है। तो दो का मतलब कितना, 11 है, ऐसे ही मैं इस वाले को मिलाऊंगा तो भी 11 साल बाद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे चाहिए जिसमें जीरो आए, तो जीरो किस में आएगा, जीरो उसमें आएगा जो लीप ईयर होगी। जैसे लीप ईयर कौन होगी, लीप ईयर तो आपकी 2004 होगी, आपको यहां से गिनना चाहिए, तो मैं लीप ईयर गिन के दिखा दूंगा आपको 2004 से, ठीक है। तो देखो, अब यहां से गिनना है आपको, सात लाना है, ठीक है, दो तीन चार पांच छह सात, लो जी भैया हो गया सात, हो गया सात, जीरो हो गया, इसका मतलब 2004 कैलेंडर 2009 से मैच होगा, लेकिन होगा कब तक, केवल 28 फरवरी तक, क्योंकि ये है लीप ईयर, ये है सिंपल ईयर, ठीक है।
इसमें 2004 में 28 फरवरी के बाद आएगा 29 फरवरी और 2009 में आएगा 28 फरवरी के बाद 1 मार्च, तो 1 मार्च 28 फरवरी के बाद तो मैच नहीं होगा ना, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है, जीरो भी करना है और लीप को लीप से मैच भी करना है, तो ये घटना जो घटेगी ना भैया ये 28 साल बाद घटेगी। तो ये तो बन गया आपके कोड, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं, मेरी इस जानकारी को देने के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो सवाल मैंने लिया था 99 से 2000, 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2003 और 2003 से 2004, आप कहेंगे ये मैंने कहा था दो है, इसका इसका एक है, इसका एक है, इसका एक है और इसका दो है। आप कहेंगे सब ये तो जीरो यहाँ हुए हैं, दो और दो चार, पाँच छः सात हो गए, सात हो गए, तो जैसे इसमें अगले से मैच कर रहे हैं तो 99 को आप 2004 के बाद अगले से क्यों नहीं मैच कर रहे, ऐसा बोल सकते हैं। तो भैया मैंने अगले से ही मैच किया है, क्योंकि ये 2004 है ना, जो इसकी तारीख कौन सी है 6 जुलाई, 7 जुलाई से 6 जुलाई तक एक साल होती है, तो यहाँ मैंने 2004 को जो जोड़ा है ना वो 6 जुलाई है और इससे अगली डेट ही 7 जुलाई है, ठीक है। तो 6 जुलाई ये जो चार है वो क्या है, ये 6 जुलाई है, ठीक है, और इसके बाद जो अगली डेट है वो 7 जुलाई 2004 ही है, तो एक दिन में थोड़ी सन बदल जाएगी यहाँ पर, तो इसके बाद अगली 7 जुलाई 2004 ही है, तो ये आपका 7 जुलाई वाला 2004 से ही मैच होगा। ये मत कहना कि 4 के बाद आपने 5 से क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि ये एक साल के डिफरेंस से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। अब मान के चलो मैंने क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होता कि मैं यही इसी से कर देता हूं मैं आपको, कि एक बच्चे का जन्म 25 फरवरी, ठीक है, और 2004 को हुआ, 2004 क्यों लिया, 2004 लिखा हुआ है, और मान लो इस दिन सोमवार था, ठीक है, और मैं कहता हूँ पूछता हूँ आपसे कि अब बच्चा जो है अगला अपना जन्मदिन सोमवार के दिन कब मना पाएगा, तो आप ये तो नहीं करने वाले कि 2004 में 4 से भाग देंगे तो जीरो बचेगा तो 28 जोड़ के कहोगे कि 28 साल बाद रिपीट होगा। भैया 28 साल में बीच में ना कई बार रिपीट हो जाएगा वो, कैसे, ये बेसिक है क्वेश्चन होगा, एक दिन मैच करना है आपको, पूरा कैलेंडर मैच नहीं करना, फिर वही बात है 2004 का कैलेंडर 2009 से मैच हो जाएगा, ठीक है। 2004 का कैलेंडर किससे मैच होगा, 2009 से, क्यों मैच होगा, क्योंकि आपको 25 फरवरी की बर्थडे है बच्चे का, ठीक है, और कैलेंडर मिसमैच शुरू होना शुरू कब से होगा, कैलेंडर 28 फरवरी के बाद से मिसमैच शुरू होना होगा, ठीक है, मिसमैच होना शुरू कब से होगा, 28 फरवरी के बाद से। अगर 28 फरवरी तक का भी दिन रहता ना यहाँ पे, 28 फरवरी तक का भी दिन रहता तो यहाँ मैच करते इसको, ठीक है। हाँ, लेकिन 28 फरवरी के बाद की कोई तारीख होती, ठीक है, 29 फरवरी भी होती तो फिर आपको 28 साल बाद ही करना था, तो यहाँ दोनों बातें हो गई। एक सवाल, अगर यहाँ 28 के बाद की तारीख होगी तो आपका 28 साल बाद रिपीट होगा, लेकिन 28 से पहले की तारीख होगी तो वो कुछ सालों बाद रिपीट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फिर से मैं कहूँगा ये वाले कोड सिंगल डेट पर काम नहीं करते हैं भैया। तो जितने भी लोगों ने मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पर ये कोड लगा के आंसर दिए हुए हैं, इससे बच्चों के अंदर गलतफहमी पैदा होगी। तो वो सभी लोग स्टूडेंट सुधार करें, देखें इस चीज़ को, समझें, शेयर कर दीजिएगा भैया अच्छा लगा हो तो। और आज इतना ही टाइप है मेरा, ठीक है, बाकी मैं फिर से किसी दिन आऊँगा, अभी तो फिलहाल रीजनिंग को देख रहा हूँ, जिस दिन मैथ देखूँगा मैं टाइम जितना मिलेगा, फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा है, तो जितना टाइम मिलेगा मैं किसी दिन मैथ की भी आपके लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और फिलहाल तो मैथ रीजनिंग रखते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट में टांग नहीं घुसाते, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा परेशानी होगी। तो आज इतना ही भैया, बाकी मिलते हैं कल, सॉरी कल नहीं, वो एक्चुअली क्या है, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ आजकल ऑनलाइन, तो आदत वही कल की पड़ गई है, ठीक है। तो मिलते हैं भैया किसी दिन, जब भी मुलाकात होती है संपर्क करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे लोग कहते हैं, मैं भी कह दे रहा हूँ, ठीक है। और चलिए बस इतना ही, ओके बाय।